रात्रीच्या वेळी घरात घुसून मारहाण करणाऱ्या आरोपींना पांढरकवडा पोलीस संरक्षण देत आहे. एवढेच नव्हे तर थातुरमातुर कारवाई करण्यात आल्याने आरोपी निर्ढावले असून सतत धमकी देत आहे असे सांगण्यात येत आहे. तर बेबी फरीदा अब्दुल बशीर ही महिला आता हतबल झाली असून न्याय मिळवण्यासाठी तिने पुन्हा पोलीस अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. यवतमाळ इथे वास्तव्यास असलेल्या बेबी फरीदा यांची पांढरकवडा तालुक्यात धारणा गावात शेती आहे. या ठिकाणी शेतात त्यांनी स्वखर्चाने ताजुद्दीन बाबांचा दर्गा बांधला आहे. शेतातच घर असल्याने बेबी या ठिकाणी सुद्धा वास्तव्यास असतात. दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी आरोपी प्रणय बलकी, रेणुका बलकी, नथ्थुजी बलकी तसेच इतर 4 जणांनी रात्री 11 वाजता घरात घुसून बेबी यांना मारहाण केली. एवढेच नव्हे तर जाताना घराचा दरवाजासुद्धा बंद केला. दरम्यान बेबी यांनी पांढरकवडा पोलिसांना घटनेची माहिती दिली असता PSI महल्ले यांनी रात्रीच घटनास्थळावर येऊन पाहणी केली. दुसऱ्या दिवशी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार देण्याचे सांगितले. सकाळी दर्ग्याची पाहणी केली असता दानपेटीसुद्धा फुटलेल्या अवस्थेत होती. मात्र पोलिसांनी चोरीची तक्रार घेतली नाही. आरोपींना फक्त 149 ची नोटीस देऊन प्रकरण दाबून टाकण्यात आल्याची बेबी यांची तक्रार आहे. यानंतर न्याय न मिळाल्याने बेबी यांनी पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिले मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. रात्री घरात घुसून मारहाण तसेच दानपेटी फोडून रक्कम चोरल्यानंतरही फक्त प्रतिबंधक कारवाई केल्यामुळे ठोस कारवाई करण्याची मागणी बेबी यांनी पुन्हा पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे. काही आरोपी हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्यामुळे आपल्या जीवाला धोका असून ठोस कारवाई करण्याची मागणी बेबी फरीदा अब्दुल बशीर यांनी केली आहे. VKB न्यूजसाठी यवतमाळ येथून अजित महिंद्रे यांची रिपोर्ट. मेरा नाम बेबी फरीदा अब्दुल बशीर शेख, मैं रहने वाली धारणा की हूँ. कुछ साल पहले मेरे आदमी का इंतकाल हो गया. मेरी खेती नेशनल हाईवे रोड पर है. उस खेत में ताजुद्दीन बाबा का दरबार है. 6 जनवरी 2022 को प्रणय बल्की, रेणुका बल्की, नथुजी बल्की और 4-5 लोग रात में 11 बजे आए, मुझे मारठोक किए और मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए. मैंने इसकी सूचना पांडरकोड़ा पुलिस में दी. रात में पुलिस वाले आकर, महल्ले साहब आकर मेरा दरवाज़ा खोले और मुझे कल आकर रिपोर्ट देने के लिए कहा. दूसरे दिन सवेरे मैं चिराग बत्ती करने के लिए जब दरबार में पहुंची तो वहां देखा दानपेटी फूटी थी. मैंने पुलिस वालों को बताया कि साहब दानपेटी भी फूटी है, तो पुलिस वालों ने मेरा रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिए. 8 तारीख को मैंने SP साहब को बायपोस्ट रिपोर्ट भेजा और 17-1 को फिर जाकर बाय हैंड रिपोर्ट दी. उसकी चौकसी 2-3 महीने के बाद में एक महल्ले करके आए, उन्होंने ये किया और चले गए. 18 तारीख को अभी 4 महीने के बाद में 18 तारीख को मेरे को थानेदार साहब ने बुलाए और एक कागज़ दे दिए. मैंने साहब को बताया, साहब 4-5 दिन पहले वो लोग और मेरे घर पर आए थे और उनके साथ में कोई सावन बाबा था, प्रणय बल्की वगैरह और कौन कौन थे पता नहीं साहब, दरवाज़ा खींचकाच ठोक ठाक कर रहे थे. तो थानेदार साहब बोले नहीं, वो आ ही नहीं सकते और अगर इसके बाद अगर वो आए तो तुम उनका वीडियो बनाओ, फोटो निकालो, उसके बाद बताओ. मेरे को 2020 से तकलीफ है, जब से मैंने प्रणय बल्की को पैसे वगैरह दिए हैं और प्रणय बल्की का जो पिताजी है वो मेरे इसमें दरबार में ट्रस्टी है और ये लड़के का और बाकी लोगों का इनका मेरा दरबार, मेरी खेती हड़पने का इनका चक्कर है और ये बार बार आकर मेरे को मार ठोक, झगड़े और पैसे वैसे के लिए तकलीफ देते हैं. मैंने इसकी बार बार सूचना पुलिस में दी लेकिन पुलिस वाले उन्हें कोई एक्शन लेते नहीं, कोई उन पर कार्रवाई करते नहीं. अभी तक 6-7 बार कभी चाकू से, कभी राड से और हर बार के झगड़े में ये रेणुका बल्की हमेशा रहती है, विनोद बल्की, रेणुका बल्की और एक रविंद्र बोबड़े और बाकी के और जो लोग हैं उनको नहीं पहचानती मैं. और इस टाइम सावन बाबा ये लोग, मैंने जब वो कागज़ अपने इस वकील को बताया, वकील बोला कि ये रिपोर्ट बराबर नहीं है. फिर मैंने बाकी इसका डबल से रिपोर्ट अभी SP साहब को दी है. मैं तमाम पत्रकारों से, SP साहब से विनती करती हूँ, मेरे पे जो बार बार अन्याय हो रहा है मुझे न्याय मिलना चाहिए. मेरे को घर से रहना निकलना मुश्किल हो गया है. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.